अच्छा जी ठीक है, वहीं से बात कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग आ जाएं तो ठीक है सर, वहीं से बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमारी कोशिश क्या है बेटा, हमारी कोशिश ये कि एरर कम हो। हम इस पर फर्दर बात करते हैं। एरर आता क्यों है? हमने काफ़ी सारी बात कर ली, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझें तो कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि देखें, एक होती है पॉपुलेशन। स्टैट्स के कोर्स में आपने वर्ड सुना होगा पॉपुलेशन, जब आप डेटा सेट की बात करते थे वहां तो पॉपुलेशन का वर्ड आपने सुना होगा। ठीक है, पॉपुलेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? एरर आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आएगा, वही वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, 2 मिनट दें। पॉपुलेशन का जो वर्ड होता है वो बेसिकली इस तरह से है कि फर्ज करें मेरा एक सवाल है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि दुनिया की एवरेज हाइट कितनी है मेल की। तो आपका जवाब ये होगा कि सर आप पहले मुझे पूरी दुनिया का डेटा सेट तो दे दें। ऐसा ही है, अंटिल और अनलेस जब तक आपको पूरी दुनिया की हाइट ना पता चल जाए आप एवरेज हाइट नहीं निकाल सकते। बेसिक से कॉन्सेप्ट है ना ये। आप मुझसे बोले कि सर कीट में स्टूडेंट की एवरेज जीपी है, मैं सिर्फ अपनी क्लास के बिहाफ में बता दूं या मैं फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास के बिहाफ में बता दूं, कंप्लीट डेटा सेट जब तक नहीं हो तो वो कहलाती है पॉपुलेशन, जो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। समझ गए बात? अब जब हमने एक चीज सीखी ही नहीं, लेकिन हम अजम्पशन उसी पे कर रहे हैं, एक चीज हमने कंप्लीट सीखी नहीं और हम अजम्पशन उसी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मसला क्या हो गया? मसला ये हो गया कि हम तो एरर लाएंगे जब हमारे पास एक कंप्लीट चीज मौजूद नहीं है। भाई देखे ना आप, ये एक समंदर है, ये एक समंदर है, इसमें से आप मछलियां पकड़ते हैं, सही है? आप बता सकते हैं इसमें कौन कौन सी मछलियां, लेकिन अगर आप सिर्फ इस रीजन से पकड़ते हैं, ये देखें, अगर आप सिर्फ इस रीजन से पकड़ते हैं तो आप नहीं बता सकते कि और समंदर में क्या क्या मौजूद है, अंटिल और अनलेस आपने पूरा समंदर एक्सप्लोर ना किया हो। मेरा पॉइंट समझ में आ गया? तो देखिए, ये होती है पॉपुलेशन, ये होती है पॉपुलेशन, ये पूरी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन है, ये फेसेस जो बने हुए हैं ये पॉपुलेशन है। दोबारा समझा रहा हूँ, ये पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन का अगर हमारे पास सारा डेटा मौजूद हो तो हमारी इक्वेशन होगी विदाउट एरर, हमारी इक्वेशन क्या होगी? विदाउट एरर। लेकिन हमारे पास चूंकि डेटा मौजूद नहीं है, हम ट्रेनिंग जो करते हैं वो कुछ डेटा पे करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको हाउस प्राइस वाली एग्जाम्पल बताई थी, तो मैंने कितनी एग्जाम्पल ली थी? 10 ली थी ना। उनके बिहाफ पे मैं एक मॉडल ट्रेन कर रहा था, तो चूंकि 10 एग्जाम्पल ली थी तो मॉडल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 10 एग्जाम्पल ली थी तो मॉडल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट। अब फर्स्ट करें, मैं नाजमाबाद के हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास नाजमाबाद के एरिया की तमाम घरों का डेटा होना चाहिए, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं 10 या 20 हाउस के बिहाफ पे प्रेडिक्शन कर रहा हूं तो डेफिनेटली एरर आएगा। समझ रहे, आ रही है बात या नहीं आ रही? क्योंकि हमने एक रैंडम सैंपल लिया है। रैंडम सैंपल का मतलब क्या है? मैंने नाजमाबाद में ब्लॉक 1 से 2 ले लिए, ब्लॉक 2 से 2 ले लिए, ब्लॉक 3 से 2 ले लिए, हर ब्लॉक से 2 घर ले लिए, अब उसके बिहाफ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप ये बात? सर्वे होता है ना, सर्वे सर्वे फेसबुक पे सर्वे हो रहा होता है कि हुकूमत अच्छी है, या कल का मैच कौन जीतेगा, या महंगाई कितनी है, तो वो सर्वे में पूरे पाकिस्तान तो नहीं प्रेजेंट करता ना, लेकिन वो एक एस्टिमेटेड होता है। मेरा ओपिनियन अलग होता है उनसे, आपका ओपिनियन अलग होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है? नहीं, ये डिपेंड करता है ना बेटा, सैंपल चेंज, एक एप्लीकेशन में सैंपल चेंज करना पड़ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके रिजल्ट्स पे। आपका एरर बहुत ज्यादा आ रहा है, आपने सारी चीजें कर ली, सारी चीजें क्या है मुझे अभी बताने देंगे तो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है? आपने सारी चीजें कर ली लेकिन आपका, तो इसका मतलब आपका सैंपल सही नहीं है। एक मैं सैंपल की मिसाल देता हूँ, मैं सैंपल की मिसाल देता हूँ, मैं सैंपल कीट की एवरेज जीपीए निकालनी है। आप लोग फनी समझेंगे लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मैं गया पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट के पास और उनसे उनका डेटा कलेक्ट किया और उसके बिहाफ पे मैंने एवरेज जीपीए निकाल दी। मैंने कहा भाई कीट के स्टूडेंट की एवरेज जीपीए तो ये होती है। अब मैं 7 सेमेस्टर के बच्चों से पूछ रहा हूँ तो कम है, 6 सेमेस्टर के बच्चों से पूछ रहा हूँ कम है, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वालों की जीपीए बहुत अच्छी है, तो मेरा सैंपल ही सही नहीं था। तो सैंपल मुझे अनबाइज होके लेना है। अनबाइज का मतलब क्या है? मुझे मिक्स लेना है। समझ रहे हैं आपकी बात? पाकिस्तान के जीतने की प्रेडिक्शन करनी है, पाकिस्तानी टीम के कल के जीतने की हारने की प्रेडिक्शन करनी है, तो मैं अनबाइज होके नहीं लूंगा। मैं हर एलिमेंट को कंसिडर करूंगा कि पाकिस्तान मैच जहाँ खेल रहा है वो कौन सा ग्राउंड है, पाकिस्तान के लास्ट 10-20 मैचेस में परफॉर्मेंस कितनी है, पाकिस्तान के इस वक्त मेन प्लेयर कौन से हैं जो खेल रहे हैं, उनके रन कितने हैं अब तक के, पाकिस्तान खेल किस तरह, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह, डे में या नाइट में टॉस जीतता है या हारता है, हर चीज मुझे ना फीचर्स में लेनी पड़ेगी जो जो मैच के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 का जब वर्ल्ड कप हो रहा था
तो ESPN क्रिक इन्फो की जो वेबसाइट है क्रिकेट की, उन्होंने न्यूरल नेटवर्क और एक क्लासिफायर लगा के प्रेडिक्शन करवाई थी कि कौन सी टीम के कितने परसेंट चांसेस हैं। उन्होंने एक क्लासिफायर लगा के ट्रेनिंग करवा के उस पर प्रेडिक्शन करवाई थी कि पाकिस्तान के, इंडिया के, सबके कितने कितने परसेंट चांसेस हैं। वो शायद पिक्चर इंटरनेट पर मौजूद भी हो। रिजल्ट वो आया था कि उस वक्त इंग्लैंड जो है बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2019 का जो वर्ल्ड कप था, तो 2019 के वर्ल्ड कप से पहले ESPN क्रिक इन्फो ने प्रेडिक्शन करवाई थी न्यूरल नेटवर्क के जरिए और क्लासिफायर के जरिए। एक क्लासिफायर था, मुझे नहीं पता कौन सा क्लासिफायर था, एक न्यूरल नेटवर्क था और एक कोई क्लासिफायर था, दोनों के हिसाब से। तो उन्होंने जो फीचर्स लिए थे वो भी बताए थे उन्होंने, पता नहीं 50 या 60 फीचर्स के बिहाफ पर प्रेडिक्शन करवाई थी। इंग्लैंड की पिछले 4 साल से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन 2015 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, मतलब आखिरी वर्ल्ड कप भी कंसिडर किया था, ये भी कंसिडर किया था कि इस वक्त टॉप के जो बैट्समैन है उनका स्कोर कितना, मतलब ये तमाम बहुत सारी चीजें थी। आप क्रिकेट समझते हैं ना, अगर तो क्रिकेट में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब कुछ कंसिडर किया था। तो पाकिस्तान की परसेंटेज 9% आई थी, इंडिया की आई थी, पाकिस्तान की इंडिया की बराबर आई थी। उसका रीजन ये था कि एक पैरामीटर ये भी था कि इंग्लैंड में क्रिकेट हो रहा है, इंग्लैंड में, और पाकिस्तान का इंग्लैंड में रिकॉर्ड अच्छा रहा है। फिर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो इस तरीके से ना पाकिस्तान की परसेंटेज 9-10% आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंग्लैंड की आई थी और ऑस्ट्रेलिया की आई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिछला वर्ल्ड कप जीता हुआ था। तो ये तमाम पैरामीटर्स होते हैं, क्लियर? तो आपने रैंडम सैंपल लिया, रैंडम सैंपल लेंगे तो आपके पास एरर आएगा। ये देखें, जब आप एक पूरी पॉपुलेशन में से एक रैंडम सैंपल लेंगे तो आपके पास एरर आएगा। अच्छा, जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा होता हूँ मैं उस पर एक कैप लगा देता हूँ, ये कैप है, ये हेड जो बना हुआ ना छोटा सा बी नॉट के ऊपर, बी वन के अंदर एरर के ऊपर। अगर मेरे पास पूरी पॉपुलेशन होगी तो मैं एक्चुअल बता सकता हूँ बीटा नॉट क्या होगा, बीटा वन क्या होगा और एरर क्या होगा। लेकिन चूंकि मैं एक सैंपल ले रहा हूँ तो मैं जब प्रेडिक्शन करूंगा तो उस पर कैप लगाऊंगा, तो इसका मतलब है ये मेरी प्रेडिक्टिव वैल्यू है, ये एक्चुअल नहीं है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये देखें, ये वही डायग्राम है जो थोड़ी देर पहले समझाई थी। ये रैंडम एरर है, आपने ये लाइन ड्रॉ की, आपको लगा ये बेहतर है। आपको ना ये डिफरेंस कम करना है, ये डिफरेंस कम करना है सारे पॉइंट्स है। ऐसा नहीं है कि आप खत्म कर देंगे, आपने वो, आपने डिफरेंस कम करने का मतलब ये नहीं है इस पॉइंट को आप नीचे ले आएंगे। डिफरेंस कम करने का मतलब है वो लाइन चूज करें जिसका तमाम पॉइंट से ओवरऑल एरर कम आ रहा हो। एक चीज अपने दिमाग में बैठा ले, कभी भी आप डेटा को चेंज नहीं करते, कभी भी आप डेटा को चेंज नहीं करते। आप इस लाइन को जो आप प्रेडिक्ट करवाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, उस लाइन की पोजीशन को आप आगे पीछे कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? तो इस लाइन को आपने क्या करना है, ऊपर कर देना, नीचे, ऊपर नीचे करने का मतलब क्या है कि आप स्लोप कम ज्यादा कर रहे हैं, वाई इंटरसेप्ट को कम ज्यादा कर रहे हैं। जी देखिएगा, ये देखें, एक लाइन ये हो सकती है। अब अगर फर्स्ट करें मैं डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये अच्छी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा एरर है, लेकिन इस वाली लाइन से थोड़ा बेहतर एरर हो गया। तो ये डिपेंड करता है, रैंडम एरर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है लीस्ट स्क्वायर मेथड, सम ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहले स्क्रीन पे देखिएगा 2-3 मिनट तक, फिर सवाल पूछिएगा। ये देखें, एक डेटा है, इसमें मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, दोबारा देखिएगा, हाउ वुड यू ड्रॉ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट, हाउ डू यू डिटरमाइन व्हिच लाइन फिट बेस्ट। देखिए, एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, मतलब पहला स्टूडेंट आया बेटा, हाँ बताओ, एक मिनट पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम थ्योरी पे आएंगे ना तो आपकी समझ में आ जाएगा। एक लाइन ये ड्रॉ की एक स्टूडेंट ने, दूसरा स्टूडेंट आगे कहता मैं तो ये लाइन ड्रॉ करता। अब बताएं दोनों में से कौन बेहतर है? दोनों का स्लोप चेंज हुआ, इंटरसेप्ट हुई है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं ना अनिफ, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, देख के नहीं बताना हमने। हाँ बिल्कुल सही है, रेड वाली बेहतर है, लेकिन हमने देख के नहीं बताना, हमें कोई कैलकुलेशन करके बताना है, समझ रहे? देखिए, मैं बिलीव करता हूँ ये वो टॉपिक है जो 15 से 20 स्टूडेंट ने क्लास में पढ़ा हुआ है पहले से, लेकिन हमें एक ओवरऑल जनरेशन के हिसाब से चलना होता है, एक ऑडियंस के हिसाब से बात करनी होती है। अब एक स्टूडेंट आता है, देखिए दोनों ने स्लोप चेंज किया है, सिर्फ वाई इंटरसेप्ट सेम है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब है दोनों जीरो से क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन स्लोप चेंज हो गया। एक और बंदा आता है, वो कहता है मैं तो ये लाइन बनाता। अब देखिए, दोनों का स्लोप बराबर है,
दोनों का स्लोप बराबर है जी। ये मैंने अगर मैंने पढ़ाया था AI तो मैं इसको एन क्वीन में करवाता हूँ, एन क्वीन कह रहा हूँ, जेनेटिक एल्गोरिथम में करवाता हूँ। अब देखिए दोनों में स्लोप बराबर है, और अगर किसी और ने करवाया था तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये दोनों इन दोनों लाइन्स को देखें, इन दोनों का स्लोप बराबर है लेकिन इन दोनों का वाई इंटरसेप्ट चेंज है, तो हाउ वुड यू डिटरमाइन कि विच लाइन इज एक्चुअली द गुड लाइन? कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, ऐसा ही है ना? क्राइटेरिया कहलाता है सम ऑफ स्क्वायर एरर्स। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। ये देखिएगा, ये देखिए एक और लाइन आ गई, ये डिफरेंट लाइन है, हम पता कैसे चलेगा कौन सी लाइन बेहतर है? तो सर कोई ना कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होना चाहिए। वो क्राइटेरिया क्या चाहे कि भाई आप कैसे बताएंगे कि ये लाइन बेस्ट फिट हो रही है या ये लाइन बेस्ट फिट हो रही है? और अभी हम लाइन पढ़ रहे हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट नॉन लीनियर लाइन एज वेल, मतलब नॉन लीनियर फंक्शन एज वेल। तो मुझे बताएं कि ये लाइन बेहतर है ये लाइन बेहतर है, इसको हम कहते हैं कौन सी लाइन बेस्ट फिट हो रही है। क्या कहते हैं? कौन सी लाइन बेस्ट फिट हो रही है? बेस्ट फिट मींस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल राइज वैल्यू एंड प्रोजेक्टेड राइज वैल्यू। अब ये मुझे बता दें, ये पॉइंट जो लिखा हुआ है किसकी समझ में आ रहा है? पढ़ के खुद से पढ़े फिर मुझे बताएं। मुझे पढ़ के बताइए, ये जो तीन चार लाइन लिखी हुई है किसकी समझ में आ रही है? बकास पब्लिक में आंसर करें बेटा प्लीज, जिसकी भी समझ में आ रही है बात वो बताए। ये बात कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुनी होगी। मैं इट्स नॉट अबाउट लेसर वैल्यूज और ग्रेटर वैल्यूज, मैं उसी पे आ रहा हूं बेटा। मैंने सिर्फ ये पूछा कि ये स्लाइड समझ में आ रही है, अगर आधे बच्चों की आएगी आधे की नहीं आएगी, ये सबके आगे फिर पढ़ाना तो मुझे ही है ना। ये देखें लॉजिक ये है कि अब आप आ जाते हैं वापस इस पर। मुझे बताएं ये येलो वाले पॉइंट्स क्या हैं, आप इसको किन अल्फाज में याद रख सकते हैं? नहीं आप अपने एल्गोरिथम के अंदर इसको बोल सकते हैं ये डेटा है जो मुझे पहले से पता है, ट्रेनिंग डेटा है। बिल्कुल ये डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स का मतलब होता है ये वो चीजें हैं जो मुझे पहले से पता है। इज इट क्लियर कि भाई एक्चुअल में एक बंदा है जिसका घर का साइज 25 है और उसके प्राइस इतने हैं, 10 यूनिट्स हैं, 25 है और 10 यूनिट एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा ही है। आपका मॉडल ट्रेन हो गया, इसका मतलब है वी बिलीव कि ये एक लाइन जो है ये किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ऐसा ही है? क्या हम ये बिलीव करते हैं कि रेड वाली लाइन किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसा ही है? अब उस इक्वेशन में मैं आता हूं और मैं कहता हूं यार मुझे एक घर खरीदना है जिसकी वैल्यू एक्स की 25 है, तो क्या तुम मुझे वाई बता सकते हो? मेरा सवाल सुन ले, एक्स की वैल्यू 25 है, क्या तुम मुझे वाई बता सकते हो? तो आप क्या करेंगे, आप उस इक्वेशन में x की वैल्यू 25 पुट करेंगे और y निकाल के मुझे बता देंगे, ऐसा ही है? जब आप मुझे y बताएंगे तो क्या होगा, तो ये कुछ होगा सिलसिला कि आप मुझे बताएंगे y ये, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बोलेंगे सर y है ना समथिंग लाइक 30 आ रहा है, कितना आ रहा है 30, मतलब एक्चुअल में क्या था 10 और आप क्या बता रहे 30, एक्चुअल में क्या था 10 और आप क्या बता रहे 30, क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? एक और बंदा आता है, वो कहता है कि सर मुझे ना एक्स के लिए 30 पे बता दें, तो चलो 30 पे आपने प्रेडिक्ट किया कि क्या उसके पास नहीं था, वो बोलेगा चलो सही है ये तो समझ में आता है जो भी प्रेडिक्ट किया। लेकिन एक बंदा आगे कहता है कि सर मुझे वाई की वैल्यू 40 पे बता दें, 40 पे, तो जब आप 40 पे ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल में 40 पे क्या था 60, लेकिन आप उसको बता रहे हैं समथिंग लाइक 50। तो मैं ठीक कर रहा हूं, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हैं, जो एक्चुअल डेटा था उसमें भी आपका मसला आ रहा है, तो ये कहलाता है एरर। ये क्या कहलाता है एरर? आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेशन करनी है इसकी। देखिए मैं मार्कर का कलर चेंज कर रहा हूं, ये देखिएगा, आपने ये कैलकुलेट करना है ये चीज, ये जो मेरा येलो वाला डिस्टेंस है सबका जो आपके डेटा पॉइंट से एक्चुअल वाला और प्रेडिक्टेड वाले का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करना है,
एक्चुअल वाले का और प्रेडिक्टिव वाले का, कुछ हो सकता है बिल्कुल भी ना डिफरेंस दे रहे हो, कुछ और डिफरेंस दे रहे हो, और आपने डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि वी आर नॉट आफ्टर द साइन, वी आर ओनली आफ्टर द एक्चुअल वैल्यूज, वी आर नॉट आफ्टर द साइन कि हमें प्लस माइनस बताए, ठीक है। तो ये आप डिफरेंस कैलकुलेट करें, ये डिफरेंस आप कैलकुलेट करें, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस, जितने भी डेटा पॉइंट्स थे आप अपनी प्रेडिक्टेड वैल्यू से वही दोबारा निकालें, तो एक वाई आपके पास हो जाएंगे पुराने वाले, जिसे आप कहेंगे वाई, ठीक है। और जो नए आएंगे उसको आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे सर, वाई, क्या कहेंगे, वाई कैप, क्या कहेंगे, वाई कैप। ये वाई क्या है, ये वाई क्या है, ये वाई क्या है, ये वाई है, नहीं ये वाई जो है वो एक्चुअल है जो आपको पहले से पता था, और ये वाई क्या है, एस्टिमेटेड या प्रेडिक्टेड। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। तो आपका टारगेट क्या है कि जब आप लाइन प्रेडिक्ट कर देंगे तो आपने एक्चुअल वाई से प्रेडिक्टेड वाई की डिफरेंस निकालनी है, वो कहलाएगा एरर। और जितने वाई होंगे एक्चुअल में, फर्स्ट एक्चुअल में 100 वाई है, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। क्लास में तो देखे मैं 6-7 पॉइंट ही ले रहा हूँ बार बार, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास 6-7 पॉइंट नहीं होंगे, आपके पास 6000 पॉइंट भी हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एक्चुअल वाई से प्रेडिक्टेड वाई का डिफरेंस निकालना है और इस एरर को कम करने की कोशिश करनी है। उसका एक फॉर्मूला है जो कि मैं आपकी स्क्रीन पर आपको शो कर रहा हूँ, क्लियर। ये देखें, ये एक फॉर्मूला है। अब अगर ये फॉर्मूला कहलाता है, वो जो आप बात कर रहे थे कि आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको बताऊं, बेस्ट फिट मींस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वाई वैल्यूज एंड एस्टिमेटेड वाई वैल्यूज आर अ मिनिमम बट पॉजिटिव डिफरेंस ऑफसेट नेगेटिव वन। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव वैल्यूज नेगेटिव वैल्यूज आपस में क्या होती है, देखें ये क्या है। अब आपने स्क्वायर लगा दिया ना इधर, तो अगर माइनस साइन आ रही होगी तब भी वो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन आ रही होगी तब भी वो प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ये देखें, अगर मैं बात करूं, ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस है, तो दोनों विदाउट साइन कंसीडर होंगे क्योंकि ओवरऑल पे आप क्या लगा रहे हैं, स्क्वायर लगा रहे हैं। तो देखें, आपने यहां पर y1 माइनस y1 एस्टिमेटेड, y1 माइनस y1 एस्टिमेटेड, y2 माइनस y2 एस्टिमेटेड, ये समीशन लगा रहा है। समीशन इज इक्वल टू i2n का मतलब क्या है, अगर n आपके पास 100 है, n आपके पास 100 है, तो आपने बारी बारी सारे वाई ओरिजिनल वाले और सारे जो आपने एस्टिमेट किए हैं उनका डिफरेंस लेके स्क्वायर करके सम कर देना है। ये कहलाता है सम ऑफ स्क्वायर एरर। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? फॉर एवरीवन ऑल ओवर द कराची, ऑल ओवर द पाकिस्तान, सबको समझ में आ गई? जिनको मैं पसंद हूं उनको भी, जिनको मैं ना पसंद हूं उनको भी, सबको समझ में आ गई? ऑफसेट बेटा बेसिकली डिफरेंस होता है। तुमने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी है शायद? आज पढ़ी तो होगी। असेंबली में ऑफसेट का वर्ड यूज किया था, ठीक है शायद। ऑफसेट का वर्ड, वही ऑफसेट का मतलब यहां पर भी, ऑफसेट का मतलब होता है बेसिकली डिफरेंस फ्रॉम सम पॉइंट, के एड्रेस की बात कर रहे हैं कि कितना दूर है, कितना करीब है। ऑफसेट का मतलब यह है कि आप दोनों का डिफरेंस क्या करते हैं, मार्जिन को कम कर देते हैं। अच्छा ये देखें, ये पॉइंट है हमारा जो मैंने आपको बता दिया, ये देखिएगा, सही है। अब ये एरर बहुत सारे हैं, जितनी आपकी वाई की वैल्यू होंगी उतनी आप एरर निकालेंगे, इंडिविजुअल उनको सम कर लेंगे, ये सम ऑफ स्क्वायर एरर कहलाता है। ये पॉइंट आई बिलीव कि यहां तक सबकी समझ में आ गया होगा। कोई भी एक स्टूडेंट इसकी समझ में ना आया, अच्छा जी, अब थोड़ी सी मजे की चीजें आ रही हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ मौजूद हैं। क्या रिपीट कर दूं सर मैं? ये तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो वही चीज है बेटा, ये सम ऑफ स्क्वायर एरर वही चीज है एरर की। यहाँ पर पहले हमने सिर्फ डिफरेंस लिखा हुआ था और हमने उसको एरर कह दिया। बिल्कुल करवाएंगे फैजान, सब कुछ करवाएंगे, आप बेफिक्र हो जाएं, दो सेमेस्टर तक करवाते रहेंगे। ये एक स्क्रीन आपके सामने आ रही है। अब ये थोड़ा आपने घबराना है, ये कहते हैं कि भाई ये जो है ना, ये बीटा वन, इसका फॉर्मूला ये है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या रखा फॉर्मूले में,
लेकिन दूसरा तरीका हो सकता है आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कहाँ से आया। ठीक है, मैं कहूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लें, नहीं मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला आया कहाँ से ताकि और कैसे यूज होगा ये। तो सबसे पहले आप आ जाते हैं कि आपकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स, ठीक है, और x मतलब एक्स आई। अब आ जाते हैं कह रहे हैं बीटा वन की इक्वेशन ये है कि समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार, वेयर एक्स बार मीन्स एवरेज, एक्स बार मीन होता है ना मीन स्टैट्स में, देखिए थोड़ा सा ना स्टैट्स स्टैट्स लगेगा आपको ये कोर्स शुरू में। तो एक्स बार का मतलब क्या होता है मीन, और वाई बार का मतलब भी मीन होता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला इन्होंने बनाया, अब जाहिर सी बात है ये कहीं से ड्राइव हुआ होगा, तो वो डेरिवेशन मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि सर ये ड्राइव कहां से हुआ। स्क्रीन शो हो रही है मेरी पावर पॉइंट की? हाँ, वेट करें वेट करें, अब हो गई होगी, अब हो गई। ठीक है, सबसे पहले आप आते हैं वापस। आपने कहा सर कि हमें ना हमें कैसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं मैट्रिक्स सर, एक अननोन है तो कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, एक अननोन मालूम करना है प्रॉब्लम सर, एक इक्वेशन। मैं कहूंगा दो अननोन है तो कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, अगर मेरे पास दो अननोन है तो मेरी कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, मेरे पास अगर दो अननोन है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, ऐसा ही है, सबको पता ना ये बात कि चार अननोन है तो चार इक्वेशन होनी चाहिए, पांच अननोन है तो पांच इक्वेशन होनी चाहिए। अब यहां पर दो अननोन है, इक्वेशन एक है, अननोन कितने हैं दो और इक्वेशन एक है, कैसे होगा? तो देखिए हमें ये बात पता है कि हम ये चाह रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर एरर मिनिमाइज हो जाए, हम क्या चाह रहे हैं कि सम ऑफ स्क्वायर एरर क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने सम ऑफ स्क्वायर एरर की इक्वेशन लिखी। मैं थोड़ा सा आपको एक स्टेप करके बता दूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और जहां आपको प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा, मुझे एक मिनट देते हैं सिर्फ। सम ऑफ स्क्वायर एरर की इक्वेशन क्या थी, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, आपने बोला कि सर सम ऑफ स्क्वायर एरर की इक्वेशन क्या थी, सम ऑफ स्क्वायर, बल्कि काम करते हैं मैं अपना बोर्ड कनेक्ट कर लेता हूँ, मैं बोर्ड पर डेरिवेशन छोटी सी करके दिखा देता हूँ, तो एक दो मिनट लगेंगे मुझे सेटअप कर देना, बताइएगा स्क्रीन क्लियर है या नहीं है। ठीक है भैया, जितनी स्क्रीन दिख रही है इससे हमें काम चलाना पड़ेगा, स्क्रीन सबको विजिबल है ऐसा ही है। मैं सम ऑफ स्क्वायर एरर की इक्वेशन लिखा, मुझे बताइएगा कि क्या कोई चीज मैं गलत लिख रहा हूं या सही लिख रहा हूं। ये वही इक्वेशन है जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, एग्री करते हैं ना सभी लोग इस चीज से कि वही इक्वेशन है सम ऑफ स्क्वायर एरर की। अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि सर ये जो ये चीज है, ये वाली चीज, इस चीज की बात करूं, इसकी इक्वेशन सर ये है, तो मैं इसकी जो इक्वेशन है उसको पुट कर देता हूं इधर, क्या थी बीटा नॉट की फॉर्म में, क्या थी बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई। अच्छा मैं अब कैप नहीं लगा रहा इन पे, ये इक्वेशन बन गई
और अगर मैं इसी स्टेप में मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, माइनस से दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये दोनों जगह माइनस आ जाएगा। जैसा आई मैंने क्या किया कि मैंने वाई आई कैप की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है और माइनस को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक किसी को भी मसला तो नहीं है? अब मेरी कोशिश क्या है, देखें हमारी कोशिश क्या है, मुझे नहीं पता आपकी महज कितनी स्ट्रांग है, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बस इतनी ही बताऊंगा कि आपकी कोशिश ये है कि आप एरर को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एरर को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। तो आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव, और आप चाह रहे हैं कि आपको बीटा नॉट की वैल्यू मिल जाए, तो आप इस राइट साइड का डेरिवेटिव, जिसे आप कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट लें। ये थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाएगी, लेकिन यही बात है, मतलब याद आ जाएगा आपको। इस इक्वेशन का डेरिवेटिव एक दफा आप विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट लें और एरर को जीरो कर दें, ठीक है। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मिनिमाइज करना होता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्या कहते हैं उसे, एलिमेंट। तो हम एक दफा इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो काम देख लें, फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, लिखा समीशन एरर आई स्क्वायर पार्शियल डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का सिंबल होता है डी, लेकिन जब पार्शियल डेरिवेटिव आप यूज करते हैं तो आप डावा यूज करते हैं, ठीक है। मैं चाहूं तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी बता सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको पता हो कि ये काम हुआ कैसे, मतलब ये आंसर अचानक से कैसे आ गया। आंसर वही आएगा जो आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया था, लेकिन वो आया कैसे तो मैं थोड़ा सा आपको जस्टिफाई कर रहा हूं अपनी बात को। तो आपने क्या किया, समीशन लगा हुआ था, आपने क्या किया, आपने बोला सर समीशन वाई आई माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा वन एक्स आई और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, डेफिनेटली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डावा बीटा नॉट। यहां तक मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ये दो चीजें लिख दी। इज इट क्लियर नाउ? वो जीरो क्यों किया, क्योंकि उसको मुझे मिनिमाइज करना है। ये बात समझ में आ गई सबके? इसमें ना कुछ समझने वाली बात नहीं है, हम बहुत अरसे से कर रहे हैं काम, ठीक है। बस याद दिला रहा था मैं कि अच्छी बात है। अच्छा जी, अब आ जाएं इस इक्वेशन का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव सबको लेना आता है, हमें पता है जब कांस्टेंट होता है तो जीरो हो जाता है। अब हम इसका डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू बीटा नॉट लेंगे तो यहाँ पर पावर जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना? तो देखिए मैं यहाँ पावर लिख देता हूँ। मैं एक ही स्टेप में ना तमाम काम करने की कोशिश करूंगा, होपफुली हो जाए। ये मैंने लिख दिया पावर, ठीक है, टू आ गया। अब अगर मैं अंदर की बात करूं, अंदर ये कांस्टेंट है, नहीं सॉरी बेस ऐसे ही आ जाएगी, पावर पावर आ गई। अब इसके बाद इस चीज का डेरिवेटिव मुझे लेना है। सही काम कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं? सही का मतलब ये था, आपकी समझ में आ रहा है? मैंने पावर का डेरिवेटिव लिया, ये चीज ऐसी लिख दी। अब मैं बेस का डेरिवेटिव लूंगा, तो बेस का डेरिवेटिव मुझे किस रेस्पेक्ट से लेना, बीटा नॉट। तो मैं बीटा नॉट की रिस्पेक्ट से लूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। क्या कोई ऐसी बात कर रहा हूं कि जो बहुत मुश्किल है, या आसान बात कर रहा हूं? ये वन माइनस वन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, ऐसा ही है। ये माइनस वन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। तो इस पूरे का जब मैं बेस का डेरिवेटिव लूंगा तो सर मेरे पास क्या बचेगा, माइनस वन। तो माइनस वन यहां लिखने के बजाय मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब है इस लाइन का आंसर ये आएगा विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बीटा नॉट। आई बिलीव ये पॉइंट सबकी समझ में आ गया होगा, ऐसा ही है ना। अब इसको थोड़ा सा स्टैट्स की फॉर्म में कर लेते हैं। जब इसको स्टैट्स की फॉर्म में करेंगे तो स्टैट्स की फॉर्म में थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि मुझे इन्होंने जिस फॉर्म में लिखा हुआ उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे बताएं ये क्या चीज है, यहाँ नहीं कर रहा मैं काम, मैं यहाँ कर रहा हूँ। मुझे बताएं ये क्या चीज है, वाई बार। क्या वाई बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या एवरेज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मीन को, कि मीन, सॉरी इस तरह से समीशन वाई आई डिवाइडेड बाय एन। बेटा माइनस वन का स्क्वायर नहीं लेना, स्क्वायर तो हट गया बेस का डेरिवेटिव। जब बेस पावर का डेरिवेटिव ले लिया तो इसकी बेस बची है, वहां पर टू नहीं था। जिसने मुझसे पूछा था उनसे बता रहा हूं, मुझे बताएं क्या ये चीज सही है। अच्छा ये समीशन लगा हुआ है, मैं एक चीज मिस कर गया,
यहाँ समीशन लगा हुआ है, यहाँ समीशन लगा हुआ है सबके साथ, समीशन तो लगा हुआ ना, समीशन तो बाहर था तो समीशन सबके साथ लगा हुआ है। मुझे बताएं क्या ये चीज सही है, सब लोग कह रहे हैं सही है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन वाई बार इज इक्वल टू समीशन वाई आई, लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ये नहीं पूछिएगा, सिर्फ मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं वाई आई की जगह पे समीशन वाई आई की जगह पे एन वाई बार लिख सकता हूँ, समीशन वाई आई की जगह पे एन वाई बार लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पर मैं इसको माइनस टू करके एन वाई बार कर देता हूँ, इसी तरीके से समीशन बीटा नॉट, समीशन बीटा नॉट। अगर मैं फाइव को एन टाइम सबमिट करूं, एन टाइम, तो फाइव कितना आएगा? अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू को एन टाइम सबमिट करूं तो बताएं वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी आएगी? फाइव है, फाइव को आप एन टाइम सम करें तो आप बोलेंगे सर फाइव एन, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अगर मैं उस्मान को एन टाइम तो बोलेंगे एन टाइम उस्मान, तो इसी तरीके से बीटा नॉट चूंकि कांस्टेंट है और उसके साथ समीशन करेंगे तो ये आ जाएगा एन बीटा नॉट, क्योंकि टोटल कितने हमारे पास नंबर, एन टोटल नंबर हमारे पास कितने, एन। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? इसी तरीके से यहां पर दोनों से में से किसी एक से एन मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने लिख दिया एन बीटा वन एक्स आई। इज इट क्लियर नाउ? यहां क्या लगाया हुआ है, जीरो लगाया हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है, जीरो, ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई हो सकती है इक्वेशन सर? बिल्कुल हो सकती है सर, ये माइनस उधर माइनस टू उधर ले रहे हैं सर, वहां जीरो खत्म हो जाएगा, एन को कॉमन ले और एन उधर ले रहे हैं, सब खत्म हो जाएगा, मतलब ये सारे एन कॉमन ले लें, एन उधर जाके खत्म हो जाएंगे, माइनस टू उधर जाके खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी सर ये, यही लिख दू, स्क्रीन शॉट ले लें फटाफट, फटाफट स्क्रीन शॉट ले लें, वैसे तो लेक्चर होगा आपके पास रिकॉर्डिंग, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये देखिए ये इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी, और जाहिर सी बात है अगर आप इन दोनों माइनस वालों को उधर ले जाएं, इन दोनों माइनस वालों को उधर ले जाएं, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वाई बार इज इक्वल टू, नहीं सॉरी बीटा नॉट की फॉर्म में लिख देते हैं, बीटा नॉट चाहिए था ना हमें, तो बीटा नॉट इज इक्वल टू वाई बार माइनस बीटा वन एक्स बार, बीटा वन एक्स आई, एक्स बार सॉरी, क्योंकि एन दोनों के साथ था, तो यहां पर मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ। तो एक दफा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे वैसे भी पूछ सकते हैं। मैंने एन जब दोनों के साथ लगाया था तो एन बीटा वन एक्स बार था, ये मैंने एक्स आई लिख दिया था, तो ये एक्स बार है, तो ये इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ बीटा नॉट। अभी हमने बीटा नॉट की वैल्यू निकाली है, आई बिलीव कि ये समझ में आ गया होगा, ऐसा ही है, ऐसा ही है, कोई सवाल तो नहीं है यहाँ, तो जल्दी से बताइए। तो बेटा इसके बाद मैंने जो दो स्टेप मिटा दिए वो भी तो देखने हैं आपने, अम्मार वो दो स्टेप भी तो देख लें आप जो मैंने किया था। अच्छा जी, अब यही काम मैं किसके लिए करूंगा बेटा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए सेकंड स्टेप में, किसकी वैल्यू चाहिए, बीटा वन। तो मैं ये चीज किसके लिए कर सकता हूँ, सर ये बीटा वन हो गया, ये बीटा वन हो गया, और ये मैं मिटा देता हूँ, सही है, यहां तक समझ में आ गया वही चीज, क्लियर। यही काम मैं किसके लिए करूंगा बेटा, बीटा वन के लिए, तो मैं बीटा वन के लिए करूंगा ये काम, तो बीटा वन के लिए काम कैसे होगा, बीटा वन के लिए भी काम ऐसे ही होगा, और कैसे होगा कि भाई हमने वही चीज करनी है, हमारे पास वही चीज आएगी रिपीट होगी, सिर्फ जब डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन लेंगे तो पावर का डेरिवेटिव तो हो जाएगा, देखिए माइनस टू समीशन, और अंदर वाली चीज तो ऐसी आ जाएगी एक दफा। अब जब मैं बेस का डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू बीटा वन तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा, नहीं बीटा वन की रिस्पेक्ट से हो रहा है, नहीं क्या हो गया बेटा, अगर दोनों में माइनस वन बच रहा होता बेटा, ये बताएं इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स की रिस्पेक्ट से, फोर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है,
सब लोग गलत बता रहे हैं। 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? 4 होगा, 4 होगा ना, क्योंकि x क्या है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट कह रहा हूं, x का डेरिवेटिव ले रहा हूं। इसी तरीके से यहां पर जब बीटा 1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहा हूं तो एक्स आई बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, एक्स आई, वंडरफुल। और एक्स आई बचेगा माइनस का, एक्स आई किसका बचेगा, माइनस का एक्स आई बचेगा। तो माइनस का एक्स आई में शुरू में लिख रहा हूं, ठीक है, माइनस को मैंने लिख ही दिया था, ये माइनस का एक्स आई आ गया, क्लियर। अच्छा जी, अब आपको मैं स्क्रीन दिखा रहा हूं, स्क्रीन देख लें, क्योंकि स्क्रीन जो है वो उसमें हुआ हुआ है काम। मतलब स्लाइड पे हुआ है काम, ये देखिएगा, ये आपकी स्लाइड वहीं से कंटिन्यू है, और जहां तक मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे यहां तक करवाना चाहिए बोर्ड को, मैंने करवा दी। अब ये इन्होंने फर्दर क्या किया, मैं एक स्टेप समझा देता हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये स्टेप क्या है। ये वाला स्टेप समझ लें प्लीज, कौन सा स्टेप, मैं मार्कर ड्रॉ करके बता देता हूँ कि मैं ये स्टेप की बात कर रहा हूँ, मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ कि ये बीटा नॉट पे इन्होंने पिछली स्लाइड में से उठा के बीटा नॉट की वैल्यू लिख दी। पिछली स्लाइड में जो बीटा नॉट की वैल्यू थी जी बेटा, बी वन की रिस्पेक्ट से गया था डेरिवेटिव, पिछली स्लाइड में जो बी नॉट की वैल्यू निकाली थी आपने, उसको आपने यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, जो बी नॉट की वैल्यू निकाली थी उसको यहाँ पुट कर दिया, और फिर अगेन इन्होंने थोड़ा स्टेप्स यूज करके इसको सिंपल सा सिंप्लीफाई कर दिया। अगर बोलोगे तो मैं ये भी करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी 2 मिनट है तो वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। सिंपल इन्होंने क्या किया, फिर उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कॉम्बिनेशन बनाया, आखिर में ना इक्वेशन ये बन गई, तो इसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में ये कह दिया। अब मैं वापस चलता हूँ आपकी पिछली स्लाइड पे, और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे हुआ, प्रेजेंटेशन कैसे भी करिए ये इनका मसला है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कैसे आया और ये फॉर्मूला कैसे आया। अब इस फॉर्मूले को सुकून से देख लें, इस फॉर्मूले को सुकून से देख लें, चाहे तो अपने पास नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इस फॉर्मूले का, क्योंकि बीटा वन की कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला यूज होता है और बीटा नॉट की कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला यूज होता है। अच्छा जी, अब जो आप लोग कह रहे थे कि सर एक एग्जाम्पल करवा दें, तो एग्जाम्पल तो मैं करवा ही देता हूं, मैं आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूं। ये देखें, ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, एक्स और वाई की वैल्यूज, ठीक है, एक आपकी प्रैक्टिस के लिए ये, मैं अपनी क्लास में जो करवा रहा हूँ वो अलग है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसका आप बीटा नॉट और बीटा वन की जब वैल्यूज निकालेंगे, ये स्लाइड तो मैं दे रहा हूँ ना आप लोगों का, जब मैं आपको ये स्लाइड तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर रहा हूं, ये देखें, ये डेटा आपको दिया हुआ, इस डेटा पे इन्होंने क्या किया है, ये बीटा वन और बीटा नॉट निकाला, आप निकाल के देखिएगा आपका बीटा नॉट और बीटा वन यही आ रहा है कुछ और आ रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ जो मेरी अपनी स्लाइड की है, वो एग्जाम्पल ही है, ठीक है, कैलकुलेशन तो डेफिनेटली मैं क्लास में नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको स्टेप बता दूंगा कि काम कैसे होता है। मीनवाइल ये मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग फॉरन ज्वाइन कर रहे हैं, फॉरन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम 4 बजे ब्रेक लेंगे 20 मिनट का, और उसके बाद हम फाइनल डिस्कशन करेंगे, तो हम फॉरन ज्वाइन कर रहे हैं, फॉरन ज्वाइन कर रहे हैं।